टू फॉर नीट एस्पिरेंट्स। हर साल लाखों बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, कई लोग रिपीटेडली भी तैयारी करते हैं, कई लोग एक अटेम्प्ट पे ही निकाल देते हैं। खैर बहुत अच्छी बात है जिन लोग एक अटेम्प्ट पे फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकालते हैं, जो नहीं निकालते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा होता है, जो होता है वो अच्छे के लिए नहीं बहुत अच्छे के लिए होता है। तो ये सब बात अब साइड में रखते हैं, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो या फिर पहली बार में निकालना चाहते हो, या फिर आप जैसे भी आपने कई अटेम्प्ट दे चुका नहीं निकला, या फिर आप अभी भी तैयारी कर रहे हो, सो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि किस डायरेक्शन पे क्या काम किया जाए, जैसे कि पढ़ाई किस डायरेक्शन पे किया जाए, अपने बुक्स को किस डायरेक्शन पे रखा जाए, इवन सोया किस डायरेक्शन पे जाए जो कि हमें हेल्प करे आपकी जो गोल है उसको अचीव करने में। बेसिकली इस वीडियो पे हम नीट एग्जाम के ही बारे में डिस्कस करेंगे और कोई एग्जाम के बारे में नहीं। सो इफ अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपके घर के, आपके हॉस्टल के या फिर आपके पीजी के एक एक डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। स्पेशली दो डायरेक्शन तो बहुत ज़्यादा, कि आप जिस डायरेक्शन पे बैठ के पढ़ते हो और जिस डायरेक्शन सोते हो, क्योंकि वही आपके ब्रेन पैटर्न को या फिर आपके ब्रेन के न्यूरल पैटर्न को चेंज करता है, या फिर आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ाता है या फिर कम करता है। तो अगेन आता है वापस इस वीडियो पे, बहुत इजी है, कोई एकदम हमें कुछ ऐसे नहीं करना है बड़ी मेहनत, क्योंकि यार ज़्यादा रेमेडी करने का टाइम भी नहीं है, और अगर रेमेडी ही करोगे तो पढ़ोगे कब। इसलिए मैंने प्रिसाइज मैनर में बहुत शॉर्ट रेमेडी दी है कि आपको कोई ऐसे बड़ा काम वाम नहीं करना है, बस आपको अपनी पोजिशन चेंज करनी है कि आप इस डायरेक्शन पर बैठ के पढ़ लो, इस डायरेक्शन पर बैठ के सो जाओ, दैट इज इट। आपको कोई अलग से इसके बाद कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं करनी है, यहाँ ये करो, वहाँ वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो तीन छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, वो तीन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, दैट इज इट, और कुछ भी नहीं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम पढ़ाई की दिशा से, कि हम किस डायरेक्शन पे बैठ के हमें पढ़ना चाहिए। लोग इसे अक्सर गड़बड़ कर देते हैं, हॉस्टल पीजी पे भी रहने वाले, बट यदि आप हॉस्टल पे रहते होगे या फिर आप पीजी पे रहते होगे ना, तो आप एक बार जाके डायरेक्शंस चेक करिएगा लोगों के, कि जिनका पढ़ाई पे मन कर रहा है या फिर मन लगता है या फिर जिसने निकाल लिया या जिसके चांसेस बढ़ गए निकालने के, वो किस डायरेक्शन पे, वो लगभग ऑलमोस्ट इस डायरेक्शन यानी साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट साउथ वेस्ट में ही बैठा हो। अब कई लोग ये डायरेक्शन देख के ये गड़बड़ कर देते कि वो इस डायरेक्शन पे बैठा तो हम भी बैठ जाएंगे, और वो गलती से बैठ जाते हैं साउथ साउथ वेस्ट में। कोई मतलब नहीं, साउथ साउथ वेस्ट को अवॉइड करना है, क्यों? क्योंकि वो डिस्पोज ऑफ की जोन है। तो ये सब छोड़ के ईजी टेक्निक पे हम आते हैं कि हमें कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। बात कर लेते हैं कि हमें कहाँ क्या चीज़ करना है। स्टार्ट करते हैं कि पढ़ने बैठने की जगह। यदि आप नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ये देखना कि आप किस जगह पर बैठ के पढ़ रहे हो, यानी किस डायरेक्शन या किस जोन पर बैठ रहे हो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप किस जोन पर बैठ के किस डायरेक्शन को फेसिंग कर रहे हो, यानी मैंने दो चीज का, पहला तो बैठने की पोजिशन की किस डायरेक्शन या जोन पे आप बैठे हुए, दूसरी फेसिंग, दोनों बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो पहले हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि किस डायरेक्शन या किस जोन पर बैठ के हमें पढ़ना चाहिए। तो हमें बैठना है वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे, और वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा होता है? साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन। इस वाले में आइए, लेट अस सपोज पहले साउथ वेस्ट निकालते हैं। साउथ वेस्ट क्या है? वेस्ट और साउथ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट। अब वेस्ट साउथ वेस्ट यानी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यानी वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का जोन, यानी ये वाला डायरेक्शन। अगेन इस पे आइए, ये देखिए ये जोन है अपना वेस्ट साउथ वेस्ट। तो आपको बैठना कहाँ पर है? वेस्ट साउथ वेस्ट जोन पे बैठना है। यहाँ बैठोगे तो भी वो वेस्ट साउथ वेस्ट ही कहलाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। जरूरी नहीं, कहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एकदम कॉर्नर को ही बस वेस्ट साउथ वेस्ट समझता है, ऐसा कुछ नहीं। सेंटर से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये एरिया वेस्ट साउथ वेस्ट का एरिया आता है। तो यहाँ पर आपको बैठना है वेस्ट साउथ वेस्ट में। क्यों बैठना है? बिकॉज वेस्ट साउथ वेस्ट इज द जोन ऑफ एबिलिटीज, वो दक्षता की जोन है। यदि आप वहां पर बैठते हो और आप किसी चीज की तैयारी करते हो तो आप उस चीज में बेस्ट हो जाते हो। लेट अस सपोज आप भैया नीट के लिए बुक्स पढ़ोगे, बुक से ही तो पढ़ोगे ना, या आजकल बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि आप टैबलेट में भी आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हो, वो सेम ऑलमोस्ट होगा, क्योंकि आपको दक्षता ज्ञान लेने वाला ही काम कर रहे हो, कि आप कहीं से ज्ञान लेकर अपनी दक्षता को बढ़ा रहे हो। तो आप दक्षता की जोन पर बैठ के करो, आप उस चीज में बहुत, आपकी एज आई टोल्ड ये एबिलिटीज की जोन है, आपकी एबिलिटीज उस चीज में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एट द टाइम आप किसी चीज में बेस्ट हो जाते हो तो आप उस चीज के लिए आप आगे जाकर प्रिपेयर, जैसे कि एग्जाम होगा तो एग्जाम को आप इजिली आप निकाल सकते हो। तो पहला तो आ गया वेस्ट साउथ वेस्ट पे आपको पढ़ने के लिए बैठना है। फेसिंग कहाँ करनी है? फेसिंग हमें या तो ईस्ट के तरफ करनी है या तो नॉर्थ के तरफ करनी है। वैसे ईस्ट फेसिंग ज़्यादा बेटर रहेगा, क्यों? क्योंकि ये नीट के एग्जाम को गवर्नमेंट ही कंडक्ट करवाती है और ईस्ट गवर्नमेंट का जोन है। तो आप ईस्ट को फेसिंग करिए, नॉर्थ को भी फेसिंग करेंगे तो कोई इशू नहीं है। बाकी बैठना तो आपको सिटिंग करनी है वेस्ट साउथ वेस्ट में। आप अपना स्टडी टेबल को वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दीजिए,
स्टडी टेबल नहीं रख सकते, यदि आपको शौक है बेड पे लेट के पढ़ने का, वैसे लेट के नहीं पढ़ना चाहिए बट फिर भी यदि आपकी आदत है तो बेड को ही रख दीजिए, बेड के ऊपर एक छोटा सा टेबल रख के उस पर पढ़ाई करिए। यदि आप बैठ भी नहीं सकते हो, टेबल भी नहीं रख सकते हो, होता है ना किसी किसी का घर ऐसा होता है कि वो मतलब ऐसे जोन पे आ जाएगा वेस्ट डायरेक्शन की आप वहां पर कोई एक्टिविटी ही नहीं कर सकते, मतलब टेबल या फिर आप कुछ वहां पर नहीं रख सकते, या फिर किसी कारणवश वहां पर आप बैठ नहीं सकते, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बुक यानी नीट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक्स या अपने नोट्स को आपको वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे रख दें। क्यों? आप नोटिस करोगे कि एट द टाइम आप वहां पर अपने किताबें रखोगे या फिर अपने पढ़ाई से रिलेटेड या फिर जैसे कि नीट एग्जाम से रिलेटेड नोट्स या बुक्स वहां पर आप रखोगे, आप ऑटोमेटिकली उस पर एक महारत हाजिर करने लग जाओगे, स्टेप चढ़ जाओगे, ऐसा नहीं कि बस बुक रखने से हो जाएगा, बट हाँ ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। आप जैसे ट्राई कर, मेरे भी अगर आप ऑफिस पे आएंगे तो जितने भी मेरे वास्तु के नोट्स है या जो मैं अभी आने वाली बुक लिख रहा हूँ वो सारी चीजें वेस्ट साउथ वेस्ट पे रखी हुई है, उसका कोई रीजन है। तो सेम आपको ऐसे ही, अब जैसे मेरा अगर देखेंगे तो कंपस भी, इवन जो कंपस बहुत मेजर रोल प्ले करता है वास्तव में, वो भी मेरा वेस्ट साउथ वेस्ट पे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें इस सब्जेक्ट में अपने स्किल्स बढ़ानी है। हमेशा हर कोई लर्नर ही रहता है, कोई बहुत एकदम टॉप पे नहीं पहुंचता है, हमेशा अब वो कहते हैं ऑलवेज बी अ गुड लर्नर, क्योंकि मैं भी हूँ। तो आपको भी अगर नीट के एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी तो अपने बुक्स या फिर उससे रिलेटेड नोट्स को आप कहाँ रखोगे? वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, नॉर्थ डायरेक्शन को हमेशा क्लीन रखना है और इन्हेंस रखना है। नॉर्थ डायरेक्शन पे कोई भी क्लैटर नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन अपॉर्चुनिटीज का जोन है, नई नई स्किल्स आपको वहां से आएगी, कोई नए, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने सब टॉपिक पढ़ लिया, कोई टॉपिक छूट गया, अक्सर होता है ना लोगों के साथ कि अरे शिट ये मैंने पढ़ा था और ये जो नहीं पढ़ा था वो एग्जाम में आ गया, छूट गया, कोई नई चीज़ें नहीं आ रही, तो उसके लिए आप नॉर्थ को हमेशा क्लीन रखिएगा। हो सके तो नॉर्थ डायरेक्शन पे आप एक मैट भी बिछाकर रख सकते। अगर आते हैं इसके नेक्स्ट वाले चीज में, तो आपको ईस्ट डायरेक्शन को भी इनहेंस रखना है। एज आई टोल्ड यू, ईस्ट जो है वो कनेक्टिविटी का डायरेक्शन है, ठीक है, आपको मेंटर्स अच्छे मिलेंगे, आपकी सोशल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कोई भी किसी भी चीज़ की तैयारी अकेले नहीं की जाती है, मैं ग्रुप स्टडी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर ईस्ट डायरेक्शन आपका इनहेंस रहेगा उससे दो फायदे होंगे। पहली बात तो जो ये है, ये एग्जाम को गवर्नमेंट मतलब करता है या कंडक्ट करवाता है। दूसरी जो बात आ जाती है, इससे आपकी सोशल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, मेंटर्स आपको बहुत अच्छे अच्छे। तो बस ये तीन चीज जो मैं आपको बताया वो करना है। अब आ जाते हैं सोने की पोजीशन पे। फेसिंग मैंने कवर कर लिया है कि आप वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ के ईस्ट को फेस करो, नॉर्थ को फेस करो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सोने की पोजीशन, मैंने अगेन आई एम रिपीटिंग इन शॉर्ट कर दे रहा हूँ, बैठना आपको वेस्ट साउथ वेस्ट में, बैठ नहीं सकते तो अपने नोट्स या फिर किताबें वेस्ट साउथ वेस्ट पे रख दीजिए। दूसरी जो चीज़ है, आपको ईस्ट डायरेक्शन को भी इनहेंस रखना है, नॉर्थ को भी, फेसिंग आप ईस्ट नॉर्थ कहीं भी कर सकते हो। अब एक लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कि सोना कहाँ पर है हमें, तो हमें सोना है साउथ डायरेक्शन पे, या तो आप साउथ डायरेक्शन में सोइए, और सोना साउथ डायरेक्शन पे क्या, हेड टूवर्ड्स आपका साउथ होना चाहिए। यदि आप यहाँ भी सोते हो ना तो आपका हेड जो है वो साउथ डायरेक्शन को फेस, मतलब टूवर्ड्स, आपको अपना हेड रखना है टूवर्ड्स साउथ, नॉर्थ की तरफ। जिस अगर आपका हेड है साउथ की तरफ और नॉर्थ की तरफ पैर आ जा रहा है तो वन ऑफ द बेस्ट पोजिशन है, स्लीपिंग पोजिशन। उससे होता क्या है, मैं साउथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो साउथ जोन है ना वो कामनेस की जोन है। यदि आप पढ़ वढ़ के साउथ जोन में आप अगर सोते हो या आराम करते हो तो वो चीज़ रिटेन होती है, क्योंकि कामनेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एग्जाम में। आप पैनिक करके कोई भी एग्जाम में किसी भी चीज़ को कभी भी नहीं आगे बढ़ सकते हो या कुछ चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आप पढ़ने के लिए, उसके बाद आपको सोना है, आपको अपनी अगेन बैटरी रिचार्ज करनी है। आप क्या कर रहे हो, सो के आप रेस्ट ही तो कर रहे हो ना, रिफ्रेश हो रहे हो दोबारा, तो बैटरी रिचार्ज के एक छोटे सा अगर टॉपिक बता दो, साउथ जोन वन ऑफ द बेस्ट जोन है सोने के लिए, आपका जो हेड है वो साउथ की तरफ होगा, तो सोने के पोजीशन को आप साउथ पे रखिए। इससे होगा क्या कि जितने भी चीज़ आपने पढ़ी लिखी या जो भी आपने किया वो चीज़ आपके ब्रेन में रिटेन होगी, प्लस आपकी कामनेस लेवल भी बढ़ेगी और आपके जो पेशेंस लेवल है वो भी इंक्रीज होगी। तो ये कुछ तीन चार टिप्स है जिसे आप फॉलो करके आप अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। होप सो इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और जो चीज़ें क्लियर नहीं हुई या फिर आपको इसके अलावा कोई और डाउट या कंफ्यूजन है तो आप नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, उस चीज़ के ऊपर या तो डेडिकेटली वीडियो बनाई जाएगी या फिर आपका कमेंट सेक्शन पे डाउट क्लियर की जाएगी। तो इस वीडियो पे इतना ही, थैंक यू एंड जय हिंद।